हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन है, उसे प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ 2022 में भैया दूज कब है, तो आइए जानते हैं भैया दूज 2022 में कब है। भैया दूज 26 अक्टूबर 2022 को है। दिन है बुधवार। भैया दूज पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:19 से 3:36 तक है। अवधि 2:17 का है। द्वितीय तिथि प्रारंभ 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:42 तक। द्वितीय तिथि समाप्त 27 अक्टूबर 2022 को 12:45 से। भैया दूज 2022। भाई दूज या भैया दूज बहनों का अपने भाई के प्रति विश्वास एवं प्रेम का पर्व है, जो भैया दूज, यम द्वितीया एवं भरद्वितीया नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को मुख्य रूप से दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। राखी के बाद भाई दूज ही साल का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहनों और भाइयों के स्नेह और पवित्रता को चिन्हित करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भैया दूज को हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार को अत्यंत उत्साह एवं प्रेम से भाई और बहनों द्वारा मनाया जाता है। भाई दूज की रौनक पूरे देश में अलग ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भाई दूज को भाई दूज पर पूजा विधि हिंदू धर्म के प्रत्येक त्यौहार की तरह ही भाई दूज के साथ भी अनेक रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं। इस त्यौहार पर बहन द्वारा भाई दूज का टीका विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। पहला, भाई दूज पर बहनें अपने भाई का तिलक और आरती करने के लिए पूजा की थाली सजाती हैं। दूसरा, पूजा की थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री रखनी चाहिए। तीसरा, भाई का तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक का निर्माण करें। चावल के मिश्रण से बने चौक पर भाई को बैठाएं और शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक करें। चौथा, तिलक करने के बाद अपने भाई को फूल, पान, सुपारी, काले चने और बताशे आदि दे और अंत में आरती करें। पांचवा, भाई का तिलक तथा आरती के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, साथ ही उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भैया दूज का महत्व। भैया दूज हिंदुओं का एक प्रमुख तथा प्रसिद्ध त्यौहार है, जो अधिकतर हिंदुओं द्वारा देश भर में प्रमुखता से मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का अंतिम दिन होता है। भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के बीच के पवित्र बंधन के प्रतीक श्रद्धा को व्यक्त करता है। ये भाई बहन को एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं प्रेम प्रकट करने का शानदार अवसर है। इस तिथि पर सभी बहनें अपने भाइयों के लिए एक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों के प्रति अपना स्नेह जताने के लिए कोई उपहार भेंट करते हैं। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होता है, मिठाई और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते हैं। भाई दूज का धार्मिक महत्व। भाई दूज का अपना विशिष्ट धार्मिक महत्व है, जो धर्म ग्रंथों में वर्णित है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल की द्वितीय तिथि पर मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त किया था। इस वजह से ही भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है।
यम देव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजा करेगा उसे मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। सूर्य पुत्री यमुना को समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी माना गया है। यही वजह है कि यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना देवी व यम देव की पूजा करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भाई दूज तिथि पर पूजा करने से यमराज प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भाई दूज से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ हम आपको शास्त्रों में बताई गई कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। यम और यम देवी की कथा। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भाई दूज से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ हम आपको शास्त्रों में बताई गई कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। यम और यम देवी की कथा। प्राचीन काल में भाई दूज की तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर गए थे। तब से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा का प्रारंभ हुआ। सूर्य देव उसे मृत्यु भय नहीं होगा। अपनी बहन यमुना की बात सुनकर यमराज को प्रसन्नता हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उस दिन से ही भाई दूज के त्यौहार को आज तक निरंतर मनाया जा रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भाई बहन को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी ने कहा कि हर साल आप इस दिन पर मेरे घर आया करो और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसे भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा की कथा। धर्म शास्त्रों में एक अन्य पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार भाई दूज तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद द्वारिका नगरी लौटे थे। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई और अनेकों दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक करके उनकी दीर्घ आयु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये भैया दूज वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।